What are the various types of statistical errors? What are the various types of statistical errors? Statistical errors can be broadly classified as sampling and non-sampling errors. Sampling and non-sampling errors. तो अभी तक हम जो बातें कर रहे थे किसकी कर रहे थे? Sampling errors की हम discuss कर रहे थे. Statistical errors में statistical errors can be of two types. Sampling, non-sampling, biased and unbiased. बस इतना पता होना चाहिए, इसमें ज़्यादा detailing हमारे कोर्स में नहीं है. ये इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है. बस नाम पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ एरर्स, सैम्पलिंग एरर्स, नॉन सैम्पलिंग एरर्स, बायस्ड एंड अनबायस्ड एरर्स. फर्दर डिटेलिंग कोर्स में हो तो बता देना, बट मतलब नॉर्मली नहीं होती. ये इंपॉर्टेंट है, मेजर ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर्स. अ मेजर ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर इज प्रोवाइडेड बाय एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर्स. Errors is the difference, is the deviation between the actual data and the estimated data. Estimated data मतलब आपके process से क्या आ रही है आपकी value. Statistical method लगा के आपने जो value निकाली वो क्या आ रही है, that is the estimated data. Actual data. A measure, absolute error, it is the difference, the variation between the actual or true value and its estimated or approximated value. The difference between the, सुनने पे ध्यान देंगे, the difference between the actual or true value एक ही चीज है, और the estimated and approximated value, उन दोनों में क्या difference है. Absolute error, actual values के terms में. रिलेटिव एरर क्या हो रहा है, ध्यान से देखें, ध्यान से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आ सकता है इस पे. एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर. एब्सोल्यूट एरर द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू. मतलब आपको अगर ज्यादा डीप जाएंगे तो डाउट तो आ सकता है कि सर एक बात बताओ, जब एक्चुअल वैल्यू मिली गई फिर एस्टिमेटेड लेनी क्यों, मतलब आप हमें वेरिएशन बता, आप सोचो कि वो क्या स्टडी कर रहे हैं कि एक्चुअल और एस्टिमेटेड में वेरिएशन कितनी है. तो मतलब एक्चुअल वैल्यू उनको मिल गई तभी तो वेरिएशन एनालाइज कर पा रहे हैं, वरना वेरिएशन एनालाइज कैसे कर पाएंगे. मैं कह रहा हूं इसकी तो एक्चुअल वैल्यू थी 86, आपने सैंपल सिंपल कर कर के आपकी आ रही है 83, वेरिएशन है. यही हो ना, यही तो है कि कंपेयर कर रहे हैं हम एक्चुअल को एस्टिमेटेड से. तो एस्टिमेटेड आ गया था 500 से, एक्चुअल कैसे आया होगा पूरा का पूरा 5000 से. कह रहे जब इतनी मेहनत कर ही ली, जब एक्चुअल वैल्यू आ ही गई तो ले लेते. मतलब पहले आपने एक्चुअल वैल्यू निकाली, फिर आपने एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली, फिर आपने उसकी डिविएशन निकाली, और फिर आप बता रहे हो कितनी दूर हैं हम एक्चुअल से. तो लेकिन वो कितनी दूर है एक्चुअल से ये निकालने के लिए आपके पास एक्चुअल डेटा तो आई गया, तो वो क्यों नहीं यूज कर लेते, मन में ख्याल आ सकता है. तो इट इज प्योरली अ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, प्योरली अ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कि द एंटायर डेटा इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेंसस कलेक्टेड. मतलब जो होता है ना बड़े बड़े स्केल पे कि गवर्नमेंट ने जो डेटा दे रखा है ना वो ये आ रहा है, गवर्नमेंट ने जो डेटा दे रखा है इन टोटैलिटी वो ये आ रहा है. अब आपने सैंपल लिया एक छोटे से एरिया का, अब आप देख लो उससे कंपेयर हो रहा है, उससे कंपेयर हो रहा है, क्या आप उससे दूर हो ज्यादा तो फिर एरर साइज बहुत बड़ा है. नहीं हो ज्यादा दूर तो ठीक है, मुझे नहीं चाहिए ना पूरा डेटा क्योंकि मेरे पास पहली बात वो उतना डिटेल में होगा नहीं, लेकिन उसका रिजल्ट होगा. वो डेटा मेरे पास थोड़ी ना है, वो डेटा किसी और ने कलेक्ट किया हुआ है, बट उसका एक वैल्यू है मेरे पास कि हाँ जी पर कैपिटा इनकम इज दिस. तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है, द नेशंस इनकम डिवाइडेड बाय द नेशंस पॉपुलेशन. तो डेटा तो है ना मेरे पास, अब आप कैलकुलेट कर रहे हो कॉलोनी की या एरिया की, तो आपको पता चल जाएगा वेरिएशन कितनी है. वो डेटा आपने नहीं कलेक्ट करा, तो इसमें कह रहा हूं जो एक्चुअल फिगर है, कभी कभी वो होता है जो आपके पास बस फिगर है, डेटा नहीं है पूरा, तो आप बस उससे कंपेयर कर रहे हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है. एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वैल्यू के टर्म्स में. रिलेटिव, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर
दी एक्चुअल वैल्यू मतलब आपका एरर साइज क्या है, मतलब वेरिएशन कितनी है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू। आपकी वेरिएशन थी 3 और एक्चुअल वैल्यू थी 80, करें तो लेस देन 5% है वेरिएशन, चलेगा। 3:80 इज लेस देन, मतलब 4:80 इज 5%, तो लेस देन 5% है वेरिएशन। वेरिएशन ही 30% की है, कह रहा भाई साहब मत करना ये यूज, बहुत ज्यादा वेरिएशन है। तो वेरिएशन बताता है ये एरर, मतलब द वेज ऑफ मेजरिंग। तो एब्सोल्यूट एरर सिंपल, एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू, वैल्यू के टर्म में आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू, द एरर डिवाइडेड बाय द एक्चुअल वैल्यू। बस इट इज नॉट कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज, इट इज कैलकुलेटेड एज अ रेशियो, बट जनरली डिस्कस्ड एज अ परसेंटेज, क्योंकि बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है ना। देर इज 4% वेरिएशन, देर इज 5% वेरिएशन, बट इट इज कैलकुलेटेड एज अ रेशियो कि 10/100, 10:100 ये है जी आपका रिलेटिव एरर, बट बेटर अंडरस्टूड एज देर इज अ 10% वेरिएशन। देर इज 10:100 मतलब 10% वेरिएशन है, 10% है जो एरर का साइज है ऑफ द एक्चुअल डेटा। तो एब्सोल्यूट एरर एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू, रिलेटिव एरर एक्चुअल माइनस एस्टिमेटेड, द वैल्यू ऑफ द एरर डिवाइडेड बाय द एस्टिमेटेड वैल्यू, डिवाइडेड बाय द एस्टिमेटेड वैल्यू, डिवाइडेड बाय द एस्टिमेटेड वैल्यू। यहाँ पर लिख रहे हैं रिलेटिव एरर टू द एक्चुअल वैल्यू, वाई। वेइंग मशीन स्टेट द सेम है बट यू नो द ट्रू वैल्यूज 74.5, ठीक है एस्टिमेटेड वैल्यू। तो फिर उन्होंने यहाँ पे हाँ, एस्टिमेटेड लिया, मैं कह रहा हूँ यहाँ एक्चुअल लिखा है। ये देखो ना रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द एक्चुअल वैल्यू। यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू लिखिए, ली एस्टिमेटेड है यहाँ पे, ये एस्टिमेटेड। इफ वेइंग मशीन स्टेट्स योर वेट इज 75 kg एक्चुअल एंड कमाल, दैट योर ट्रू वेट इज 74 पॉइंट, वेइंग मशीन हैज एन एरर। ट्रू वेट बट यू नो योर ट्रू वेट इज, नहीं, ये तो इसमें इसी में ही वेरिएशन है, इसी में ही फॉर्मूले में ही वेरिएशन है, वेरिएशन के फॉर्मूले में वेरिएशन। वाह ध्यान से देखो, एब्सोल्यूट वैल्यू में तो कोई डाउट, एब्सोल्यूट एरर वैल्यू क्या एरर। एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल और ट्रू वैल्यू सेम है, एक्चुअल और ट्रू वैल्यू सेम है, माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू और कलेक्टेड डेटा कहते हैं इसको, क्या कहते हैं कलेक्टेड डेटा, एस्टिमेटेड और अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। एरर रिलेटिव एरर दिस वी विल हैव टू चेक, ऊपर तो एब्सोल्यूट एरर ही आएगा, डिवाइडेड बाय शुड बी द एक्चुअल वैल्यू, बट लेट्स वेरीफाई। ये तो संदीप गर्ग है, जनवरी देखते हैं, एनसीईआरटी देखते हैं, जस्ट जस्ट अ सेकेंड, टेक्निकली इट शुड बी द एक्चुअल वैल्यू बट वी विल वेरीफाई, एक्चुअल होना चाहिए। रिलेटिव एरर इज एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, ठीक है ना एक्चुअल वैल्यू। तो टेक्स्ट इनका सही है, यहाँ पे इन्होंने ये एरर है, ठीक है एरर है, तो एरर में एरर अभी के लिए ये यूज करें, जिनके कोर्स में उनके लिए इम्पोर्टेंट है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और मैं एनसीईआरटी चेक करूंगा, आई थिंक एनसीईआरटी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है इम्पोर्टेंट है। चल क्लोज करेंगे, इसी के साथ खत्म हुआ हमारा सैम्पलिंग, तो कलेक्शन ऑफ डेटा में पूरा क्लोज।